गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू प्रीति की उड़ान। तो हो गई हमारी मॉर्निंग और आज का दिन भाई बहुत बिजी जाने वाला है। आज घर पे आएंगे पेस्ट कंट्रोल वाले, क्योंकि घर पे कुछ ऐसा एरिया है एक दो जहाँ पे दीमक लगा हुआ है, तो हम नहीं चाहते पूरे घर पे दीमक लगे। तो हम वो थोड़ा सा पेस्ट कंट्रोल वाले दवाई छिड़केंगे पूरे घर में। और घर का हाल तो मैं आपको बाहर दिखाई देती हूँ कैसा है, तो बाहर क्या क्या काम हो रहा है तो मिलते हैं और दिखाती हूँ मिस्टर डोगरा को भी वो क्या कर रहे हैं। तो चलो दिखाऊंगा आपको घर अपना। तो इस अलमीरा से हो रही है दीमक की शुरुआत, तो हम नहीं चाहते यहाँ से बढ़ के वो कहीं आगे बढ़े हमारे पूरे घर में। तो भैया भी कर रहे हैं यहाँ पे काम। दवाई तो मैं नीचे से खड़ू पे भी मारूंगा। तो आप मेरी हालत ऐसे देख रहे हो कैसी बनी हुई, और मेरे घर की भी हालत देख लो कैसे सामान बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि घर पे भाई दीमक लगा है। तो उसके लिए हमने कुछ बुलाया हुआ है किसी को, तो अभी वो थोड़ा सा देख रहे हैं। तो पूरे घर में अभी दवाई छिड़का जाएगा सारा, अभी ऐसे तहस नहस है, पूरा किचन ऐसे पड़ा हुआ है। आपको दिखा दूँ ओपन किचन भी वैसी बिखरी पड़ी हुई है। अब पूरे घर में दवाई छिड़का जाएगा तो भाई सामान तो निकलेगा ही निकलेगा। तो आपको दिखाती हूँ मम्मी का भी वहाँ पे रूम। दीवार में कहीं नहीं होता, खाली लकड़ी। आप टेंशन मत लो, उनका बोलने का मतलब यही है कि जब दीमक लगता है तो लकड़ी की तरफ ही जाता है, तो वो जाएगा भी दीवार में। दीवार खाने नहीं जा रहा, लकड़ी खाने जा रहा, इसलिए दीवार में है। बट मैंने तो सुना था कॉन्क्रीट के अलग होता है, उसमें दीमक जो लगते हैं दीवारों में भी लग जाते हैं। पूरे दीवारों में लगते हैं, जैसे चीटी होती है, चीटी लाइन बना लेती है ना इसमें, बस वही लाइन। अच्छा, वही लाइन तो आपने खत्म कर दी ना। हाँ, बस वही लाइन पूरी जानती है। मतलब मेन पर्पस उनके लकड़ी खाने के हैं। हाँ, अगर उनका हालत देख लो मिस्टर डोगरा की, क्या हालत अब तो सारा मैचअप एकदम। तो यहाँ पे हो गई मम्मी को बहुत ज्यादा टेंशन कि दीमक घर पूरे घर पे ना हो जाए, इसलिए मम्मी अपने साथ साथ अच्छे से पूरा काम करवा रहे हैं। मम्मी वो कर देगी, टेंशन मत लो, देख लेंगे उनको। बोलो कुछ बोलना क्या है, तो बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं है। देखो खाली देखो कैसी हो चुकी है, खाली देखो। हाँ, और अभी मेन चीज तो ये, जब ये भैया जाएंगे उसके बाद जब सफाई होगी, वो मेन है टास्क, सबसे बड़ा टास्क। अच्छा, अपना करना। वो घर की जितनी भी लकड़ियां हैं जहाँ आपको लगता है मॉइस्चर है, आप वहाँ चेक करते रहो, और हर 2-3 महीने में फ्रिक्वेंटली चेक करते रहो, और लगता है तो फिर आप पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाओ, क्योंकि एक बार दीमक लग जाए तो पूरे घर की एक्सपेस हो जाती है। चीज और यूजली लोग क्या करते हैं, घर पे जो लकड़ी होती है उसके ऊपर सफाई के पर्पस के लिए पेपर बिछाते हैं और अपना सामान रखते हैं, जो भी कपड़े स्टडी बुक वगैरह जो भी है। तो एक चीज़ आज नहीं पता लगी है कि लकड़ी के ऊपर पेपर वेपर नहीं रखना चाहिए, उससे मॉइस्चर और दीमक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बेटर है प्लास्टिक की कोई शीट यूज़ करो और फिर सामान को रखो, पर पेपर यूज़ ना करो जो हमारी मम्मी यूज़ कर रही थी। ये एक वो है क्या कहते हैं मैसेज।
प्रीत कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बाद में तो आप सोच रहे हैं मेरे आलू प्याज यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ड्राइंग रूम में, किचन तो अंदर है और मैं बिखरी पड़ी हूँ। देर से पहले तो मेरा घर भी खड़ा पड़ा हुआ है, दिन को ने कब्जा किया हुआ मेरे घर पे। तो आलू प्याज यहाँ पे है, प्लेटें वहाँ पे है, बस यहाँ पे गैस लाना जरूरी है। अभी तड़का भी यहीं पे लगा दूँ क्योंकि अंदर बहुत बुरा हाल है, अंदर दवाई छिड़की जा रही है, मम्मी अंदर घुसे जा रहे हैं दवाई के अंदर, और मैं यहाँ पे आ गई क्योंकि दवाई चढ़ रही है यहाँ से, यहाँ दिमाग पे। मैडम कह रही दवाई के अंदर घुसे जा रहे हैं। हाँ तो देखो मम्मी क्या कर रहे हैं, बस सिर्फ चढ़ती है दवाई और अभी कुछ नहीं है, अभी खाली बैठी हूँ। असली काम दवाई के बाद होगा, 3-4 घंटे बाद। जाओ एक बार दिखा के आओ, क्या एक्चुअली घर की हालत क्या? क्या अभी मैं बिल का बोल सकती, फुल बिजी, पोचा लगेगा पूरा घर, खाली गंदा पड़ा हुआ है। अच्छी सफाई होगी, जैसे दिवाली नहीं होती है पूरे घर में सफाई हो रही है, आज मेरे घर में दिवाली है, दिवाली की सफाई हो रही है पहली। तो दोस्तों इतनी हालत देख के प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूले ना, जरूर करें और ढेर सारा प्यार देते रहे प्रीति की उड़ान को। ऐसे रहना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ना, एकदम छोड़ना पड़ेगा। और पानी साफ भी नहीं करना है, ये पानी से या पोछे से साफ नहीं करना, ऐसे छोड़ देना फिर कैसे साफ करोगे कपड़े से? ओके, तो सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं, अब हमने काम वाली बाई बुला लिए। काम वाली बाई यहाँ पर अब पूरा घर साफ कर रही है। हेलो काम वाली बाई, कैसे हैं आप? लगी हुई है काम वाली बाई, और सारा घर बिखरा हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है। किचन ऑलमोस्ट किचन साफ हो चुकी है, यहाँ भी बुरा हाल था बट फिर से दोबारा पूरा सामान निकाल के यहाँ पर कर रहा था, बट अब एकदम साफ हो गया। बट अभी रूम क्लीन होना बाकी है। हाँ भाई, तो हो गए फ्री। तो जो सुबह आपने देखा था पूरा काम जो कि उथल पुथल हो रखा था घर का हाल, अब एकदम साफ हो गया है और साफ सुथरा, साफ सुथरा। बट आज फाइनली पता लगा है कि अगर घर में पेस्ट कंट्रोल करवाना है तो पूरा दिन चाहिए। क्या बोलते हो आप प्रीत? अभी मम्मी और प्रीत की बैंड बज चुकी है क्योंकि सुबह तुमने जो आप सबने देखा था घर का हाल, और अब में बहुत फ़र्क है। सारा सामान निकला, सारा सामान डला और घर एकदम साफ है। बट अभी इसके बाद समझ आ गए कि लकड़ियों के ऊपर कागज़ का यूज़ ना हो, उसमें पॉलीथीन वगैरह रखनी चाहिए, और अगर मॉइस्चर आए तो उसको जल्दी से नोटिस करके उसको क्या करना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट करानी चाहिए, राइट? मतलब उस चीज को कंट्रोल कर लो जल्दी। हाँ, तो फिर तो आपने देख ही लिया होगा कि सुबह हमारे घर की हालत कैसी थी और अब कैसी है। तो सुबह से हम लगे हैं और थक भी गए हैं, मेरा और मम्मी का से इस टाइम तक अभी जाके हमारा काम खत्म हुआ है। तो बस आज के दिन के साथ मैं आज के वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड, और मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ढेर सारा प्यार देते रहिए प्रीति को, उड़ान को। तो मिलते हैं कल, बाय।